Hello everyone, hope all fine. My name is Rao Adil Aslam and you're watching Talk with Rao. We have started a series of talking with Mr. Rao Muhammad Aslam, trainer, mind sciences, motivational speaker as well. Or mind sciences mein sabse zyada Silva method, NLP aur iske andar 4 dimension mein bahut zyada kaam kar rahe hain aur bahut zyada active hain aajkal. Pakistan mein sabse zyada kaam ho raha hai kyunki is pe to sabse zyada pay jaate hain ki he is working in it. तो हम एक बात करना चाह रहे थे, वो थी लॉ ऑफ गिविंगनेस, कि हमेशा देने वाली देने वाला हाथ होना चाहिए, हमेशा देना चाहिए. लेकिन हमें मतलब उससे ऐसे क्या फायदा है या उसमें क्या ऐसी चीज है वी शुड रिलेट विद इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आस्क के व्हाट इज लॉ ऑफ गिविंगनेस. ये एक कुदरत का कानून है अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से, कि आपने देखा कि जितनी भी चीज़ें कुदरत ने पैदा की है, जैसे पहाड़ है, जैसे हवा है, जैसे पानी है, सूरज है, चांद है, ये सब दे रहे हैं, आपसे कुछ भी नहीं ले रहे. और दूसरी बात है कि आपने देखा कि पहाड़ों पे बर्फ ज़्यादा पड़ती है, क्यों? कि वो पानी देते हैं, वो अपने पास नहीं रखता. अगर आपने देखा कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो समंदरों में पड़ती है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि समंदर जो है वो पानी अपने पास नहीं रखते. और इस तरह से जहां बहुत ज्यादा सब्जा होगा वहां ज्यादा सब्जा होता है. तो उसकी असल वजह क्या है? कि वो गिविंगनेस का कानून है. तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जितनी भी कायनात के ऊपर चीजें बनाई हैं वो दे के खुश है. यानी जैसे ही वो, अगर फर्ज करें कि अगर आज अगर वो ये आपकी घास है या पौधे हैं, वो हमें अगर फर्ज करें ऑक्सीजन हमसे लेना छोड़ दे, देना छोड़ दे और कार्बन डाइऑक्साइड लेना छोड़ दे, तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी. ये कानून कुदरत ने बना दिया है कि लॉ ऑफ गिविंगनेस. जो भी कानून कुदरत ने चीजें बनाई हैं, जितनी भी इजराम है, वो सब आपको दे रहे हैं. राइट. मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूँ कि अक्सर मैंने देखा कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं लोगों के साथ कोई भी किसी को देने की, तो हम उसमें हमेशा सोचते हैं कि हमारा क्या फायदा है. यहाँ पे मैं बड़ी एक अच्छी एग्जांपल पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा वो ईदी साहब थे जो कि, और उनकी एग्जांपल आई थिंक के बहुत बड़ी एक एग्जांपल है और उससे बड़ी कोई एग्जांपल हो नहीं सकती. सो व्हाट यू थिंक, हम उसे हमेशा फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये हमारी जो बॉडी है ना, कुदरत ने बनाई ऐसे कि ये लेके खुश है लोगों, जो बहसियत इंसान जो है वो दे के खुश है. आपने देखा, गौर किया होगा कि आपने जब जानवर होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो दे रहे होते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही वो उस खास वक्त से गुजर जाते हैं तो उसके बाद वो बच्चों को देना छोड़ देते हैं. लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने रूह नूरानी रखी हुई है, वो हर सूरत में नेकी करेगा वो, और नेकी करके खुश रहता है. आपने देखा होगा कि दाता दरबार के पास आप चले जाए, लोग देख बांट रहे होते हैं, लेकिन देख तो खत्म हो जाती है, गौर करा, लेकिन उनके अंदर खुशी बढ़ जाती है. बिल्कुल, देने से खुशी बढ़ती है. अल्लाह सुब्हान तआला ने बनाया हमें ऐसे, हमेशा देने के लिए. हाँ, देने के लिए. और इसमें बल्कि एंड में एक और चीज करूँ कि बिफोर फ्यू डेज अगो हम वी वर इन क्लास, तो उसमें आई जस्ट सेड फ्रॉम माय माउथ के मैंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो वन ऑफ माय टीचर आस्क्ड, इट कैन नेवर बी लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इट शुड बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. हमेशा जब दिया जाता है उसके बाद फिर लिया जाता है. सो इज इट राइट? मुझे सबसे ज्यादा जो है ना, अब्दुल सारिदी साहब ने बड़ा किया है और हमने भी अपना रहमान फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ, तो इस तरह से मुझे उन्होंने बहुत मुतासर किया. मैंने देखा कि उनको हमारी जो तीनों मुसल्ला फाज है वो शुरू कर रही हैं, सदर पाकिस्तान जो है वो भी शुरू कर रहे हैं, और पूरी कौम जो है उनको उनको खराज तहसीन पेश कर रही है. अच्छा, मैंने उस सोचा कि अब तो ये दुनिया से जा चुके हैं, अब ये क्या कर सकते हैं नेकी. जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, जो उनकी जो डेड बॉडी, तो मैंने पूछा कि ये क्या है भी? तो उन्होंने कहा कि वो तो अपनी आंखें भी गिफ्ट करेंगे. तो बेसिकली कोई भी इंसान जो बड़ा बनना चाहता है, देखें अब तारीख में हम जितने बड़े लोगों के नाम लेते हैं वो लोग थे जो गिविंग. और दूसरी अहम बात ये है कि आप देखें कि ये आपके जितने बड़े बड़े दुनिया में जो है साइंसिस्ट हैं, क्या उन्होंने क्या हासिल किया? उसने कुछ भी हासिल नहीं किया, लेकिन वो देखे गए इस कायनात को. कायनात में बड़ा बनने की खूबी यह है कि आप कायनात को देना शुरू कर दे. वासिफ की लाइन बड़ी अच्छी है, वो कहते हैं आप दुनिया से जो कुछ भी, कायनात से जो कुछ भी लेना चाहते हैं, कायनात को देना शुरू कर दें, कायनात आपको लौटा देगी. अगर कोई बुरी चीज देंगे तो कायनात आपको बुरी चीज लौटा देगी, अगर आप अच्छी कोई चीज देंगे कायनात को तो अच्छी चीज लौटा देगी. क्योंकि आपके अमल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है,
आपके सोचने से। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पॉजिटिव होंगी, अगर आप बुरा सोचेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नेगेटिव होंगी, और वो सारी आपको लौटा दी जाएंगी। तो उसका बेहतर हल यही है कि हमें बहुत आला दर्जे की नेकी करनी चाहिए, चाहे रिगार्डलेस उसका मजहब कोई भी हो, और दुनिया के तमाम मजाहब आपको नेकी की तलकीन। Right. Thank you so much for giving such an example and for such a theoretical work as well, जिसमें हम experience खुद अपनी तरफ से डालेंगे। मैं इधर एक चीज़ end पे add करूँ कि मुझे एक इश्फाक अहमद साहब की बड़ी अच्छी बात लगती है, बड़ी अच्छी मुझे याद बड़ी रहती है कि जब भी हमेशा देने लगो तो बस ये याद रखना कि जो भी आप दे रहे हो वो मिला है तो दे रहे हो, यानी कि अल्लाह का दिता देंगे। तो आई लव दैट सेंटेंस एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Talk to them.